बहुत स्वागत, जय जोहार। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन। और आज शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बीजापुर में नक्सली एनकाउंटर में बड़ा अपडेट आ गया। मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर किए जाने की खबर है। हालांकि मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। मारे गए नक्सलियों के पास से शव और हथियार बरामद हुए। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, यहां के जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। कौन कौन से ट्रूप्स शामिल है वो जान लीजिए। डीआरजी है, एसटीएफ है, कोबरा है, सीआरपीएफ है। 1200 जवान, समझ रहे हैं, छोटी मोटी सेना समझ लीजिए, 1200 जवान शामिल हैं। सुबह 6 बजे से ये मुठभेड़ चल रही है। खास बात यह, इस इलाके में बड़े नक्सली लीडर्स की मौजूदगी खबर थी। इसमें चैतू हो सकता है, तकरीबन 40 लाख का इनाम। इसमें पापाराव हो सकता है, तकरीबन 40 लाख का इनाम। चैतू और पापाराव जो है वो अपने आप में डबल लेयर सिक्योरिटी में चलते हैं, यानी नक्सलियों के हिसाब से वाई प्लस सिक्योरिटी की कैटेगरी समझ लीजिए। गंगालूर इलाका लगता है, पीडिया के जंगल में मुठभेड़ चल रही है। और नक्सल मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान आया। सभी जवानों ने साहस का परिचय दिया। मुठभेड़ में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। 12 डेड बॉडी यानी नक्सलियों के शव बरामद होने की जानकारी मिली है। ये तमाम बातें सीएम विष्णुदेव साय ने कही है। और आज बीजापुर में गंगालूर एरिया में पीढ़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नक्सली मुठभेड़ में हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी वैसे मुठभेड़ समाप्त हो गया है और मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार 12 डेड बॉडी मिले हैं, नक्सलियों के 12 डेड बॉडी मिले हैं। एक बड़ी सफलता हमारे सैनिकों को मिली है। मैं सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अधिकारियों को बधाई देता हूँ उनके साहस को। मैं और सहयोगी श्रीनिवास नायडू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको श्रीनिवास के पास लिए चलेंगे। क्या कुछ अपडेट उनके पास है उनसे अपने दर्शकों के लिए लेते हैं। श्रीनिवास के पास आपको लिए चलते हैं। श्रीनिवास आपको नजर आ रहे होंगे। श्रीनिवास, 4 महीने में तकरीबन 103 नक्सली ढेर, और इस लिहाज से बीजापुर का जो ऑपरेशन है तकरीबन 1200 जवान, यानी छोटी मोटी फोर्स का डिप्लॉयमेंट पूरा एक तरह से, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, बड़े माओवादी की इलाके में होने की खबर जैसे ही सुरक्षा महकमा को लगी, इसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। लगभग 1200 से अधिक जो सुरक्षा जवान मोर्चा में निकल जाते हैं। सुकमा जिले के जवान हैं, दंतेवाड़ा के जिले के जवान हैं और बीजापुर के जिले के जवान। इन तीन जिलों के जवान लगभग 1200 से के जवान हैं, जिसमें डीआरजी है, सीआरपीएफ है, कोबरा बटालियन है, बस्तर फाइटर है, बस्तर बटालियन है। ये सभी जवान जब बीजापुर के इलाके पीड़िया, जहां पर बड़े माओवादियों की होने की खबर सुरक्षा महकमा को लगी थी, जिसके बाद ऑपरेशन कल रात को ही तैयार कर लिया था और आज सुबह तड़के वहाँ उस इलाके में पहुंच के माओवादियों पर बड़ा प्रहार किया। खबर ये मिल रही है कि अब तक इस मुठभेड़ में जो सुबह से चल रही थी मुठभेड़ अभी खत्म हो चुकी है और मुठभेड़ के बाद 12 माओवादियों को सुरक्षा जवानों ने ढेर कर दिया है। मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती होना बाकी है। चूंकि इलाका बीजापुर से लगभग 70 किलोमीटर अंदर है, तो जवानों की सुरक्षित वापस आने की भी कोशिश की जा रही है। लगभग देर रात तक जवान पहुंचेंगे, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि मारे गए माओवादी में कितने इनामी नक्सली है। सुरक्षा बल लगातार कोर इलाके में घुस के माओवादियों को के जनाधार को कम कर रहा है। चूंकि इलाका कहा जाता है कि हिड़मा का इलाका है, पापा राव का इलाका है, तो ये पापा राव वो नक्सली लीडर है जो सीसी मेंबर है, करोड़ों रुपए का इनामी नक्सली है। और इसके अलावा वेल्ला का भी होने की खबर सुरक्षा महकमा को मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया। क्योंकि बड़े माओवादी ओहदेदार होते हैं तो स्वाभाविक है इनकी सुरक्षा में भी नक्सली मौजूद रहते हैं, तो ऐसे में जवान और नक्सलियों के बीच में आज सुबह से लगातार मुठभेड़ हो रही है और जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद ऑपरेशन को अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है। अब आने इंतजार है, जो जवान है हमारे सुरक्षा जवान है जो 12 माओवादी की डेड बॉडी लाएंगे, तब क्लियर हो पाएगा जो मारे गए माओवादियों में कितने इनामी नक्सली शामिल है। बता दूं, क्योंकि ये कांकेर इलाके में जिस प्रकार सुरक्षा बलों ने बड़ा हमला किया था, वहां पर 29 माओवादी को ढेर किया था, अबुजमाड़ इलाके में ढेर किया था, तो ये भी एक बड़ा ऑपरेशन कहा जा सकता है। क्योंकि ये इस ऑपरेशन में 1200 से अधिक जवान निकले थे और माओवादियों को टारगेट किए थे। माओवादियों में टॉप मोस्ट माओवादी के होने की खबर सुरक्षा महकमा को लगी थी, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीनिवास इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रीनिवास विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर का रुख करेंगे। आईपीएस जीपी सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जीपी सिंह पर जो
लगाया गया था मामला। कौन सा मामला? आसान नहीं था, यह राजद्रोह का केस लगा था। प्रोसीडिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। भूपेश बघेल सरकार ने आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का यह मामला बनाया था। एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में फंसे जीपी सिंह पर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया। आरोप यह था कि उनके सरकारी बंगले से कुछ चिट्ठियां मिली, फटे हुए पन्ने मिले, पेन ड्राइव मिली, एक डायरी मिली थी। इसकी जांच में सरकार विरोधी गतिविधियों की बात सामने आई थी, इसी आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। उनके खिलाफ अवैध वसूली, ब्लैकमेलिंग के जरिए करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने के आरोप लगे। 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर आईपीएस जीपी सिंह को सीएटी से बड़ी राहत मिली थी और 4 सप्ताह में जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निपटाकर उनकी बहाली के आदेश दिए गए थे। ये ट्रिब्यूनल है जो आईएएस आईपीएस के मामले देखती है, सीएटी। इधर आत्मानंद स्कूल को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया है। पीएम श्री योजना से इसे जोड़ने से सीधा लाभ मिलेगा, बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा, छात्रों को खास तौर पर सुविधाएं मिलेंगी। पीएम श्री योजना में स्कूल को पर्याप्त फंड मिलेगा, यह जवाब दिया है सीएम विष्णुदेव साय ने। जी ने पीएम श्री योजना लागू की है नई शिक्षा नीति के तहत, और उस स्कूल का जो भी पीएम श्री के अंतर्गत आएगा उसका समुचित विकास के लिए मतलब काफ़ी पर्याप्त फंड मिलेगा और निश्चित रूप से शिक्षा का गुणवत्ता और जो भी संसाधन है सब में मतलब बढ़ोतरी होगी। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने पीएम श्री योजना और आत्मानंद स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदलने पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि 10वीं और 12वीं में मेरिट में आने वाले ज्यादातर जो बच्चे हैं वो स्वामी आत्मानंद स्कूल से हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसका नाम बदलकर स्तरहीन राजनीति कर रही है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बयान से पहले भूपेश बघेल को धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की सार्थकता अब दिखने लगी है। बेहद ही खुशी का विषय है कि 12वीं और 10वीं की प्रवीण सूची में 70% से भी अधिक बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं, टॉपर भी स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। और बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी संकुचित मानसिकता में स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करना चाह रही है, स्वामी आत्मानंद स्कूल को का नाम बदली करना चाह रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के स्तर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की सार्थकता अब दिखने लगी है। बेहद ही खुशी का विषय है कि 12वीं और 10वीं की प्रवीण सूची में 70% से भी अधिक बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं, टॉपर भी स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। और बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी संकुचित मानसिकता में स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करना चाह रही है, स्वामी आत्मानंद स्कूल को का नाम बदली करना चाह रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के स्तरहीन राजनीति है। स्वामी आत्मानंद छत्तीसगढ़ के महा मैं वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूँ कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए क्या हो रहा है, समझना चाहिए फिर बोलना चाहिए। 4 जून के बाद किसी काम के भी नहीं रहोगे, यह कहना है राधिका खेड़ा का बीजेपी में शामिल होने के बाद। राधिका खेड़ा ने एक और ट्वीट किया। ट्वीट में राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राधिका खेड़ा ने लिखा, जब मैं रोई तब कोई नहीं बोला, जब मैं गिड़गिड़ाई तब कोई नहीं बोला, जब न्याय मांगा तब कोई नहीं बोला, ना आप बेटी के हुए ना प्रभु श्रीराम के, 4 जून के बाद किसी काम के भी नहीं रहोगे। खबर बिलासपुर से, जहां घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 12 से ज्यादा चाकूबाज बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, इनके पास से चाकू भी बरामद हुए हैं। आपको याद दिला दें, सरकंडा थाना इलाके के अशोक नगर में बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की थी। इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। अशोक नगर कल शाम का घटना है। अशोक नगर पानी टंकी के पास 2 बाइक आपस में टकरा के आपस में गिर गए, तो उसी में से विवाद उत्पन्न हुआ दोनों के बीच में।
वहीं पे पड़ोस में जो रहते थे प्रार्थिया, जो उन लोगों ने बीच बचाव किया कि यहाँ पे मत लड़ाई झगड़ा करिए करके, तो फिर उन लोगों ने उसी को ही मारना चालू कर दिया और किसी धारदार चाकू से उसके भी चोट आया और एक पुरुष। और अगली जो खबर है वो आपको झकझोर कर रख देगी। सामाजिक ताने बाने पर इससे ज्यादा बदतर स्थिति आपने नहीं देखी होगी। मुंगेली में पति पत्नी के झगड़े में 3 साल की एक मासूम बच्ची की जान चली गई। विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, बहुत गुस्सा आया मां को, उसने अपनी 3 साल की बच्ची को जंगल में छोड़ दिया। 3 दिन बाद बच्ची की जंगल में लाश मिली। बताया जा रहा है कि भूख प्यास से इस बच्ची की मौत हो गई। जंगल में छोड़ने के बाद मां ये भूल गई थी कि बच्ची को कहां छोड़ा, इसीलिए वो बच्ची को ढूंढ नहीं पाए। खास बात यह कि बच्ची की मां गांव की सरपंच भी है। अचानक मार टाइगर रिजर्व की ये पूरी घटना है। बच्ची को छोड़ कर आकर आ गई थी, उसके बाद घर में डायरेक्ट पहले नहीं आया था, कैलाश यादव के यहाँ आया था, फिर इसको उसके बाद कैलाश यादव को लेकर गया था बच्ची ढूंढने के लिए, तो आधा दूर तक गए, उसके बाद रास्ता भूल गया हूँ। उसके बाद तुरंत हमारे घर सूचना बताया, फिर पूरा गाँव कहीं गाँव वाले पूरे लोग इकट्ठा होकर ढूंढने गए, उसके बाद 4 दिन में मिला है। खबर सूरजपुर से, जहां एक परिवार को दहेज का दंश झेलना पड़ा, यहां बिना दुल्हन के बारात लौट गई। 4 लाख दहेज को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई। पिता कर्ज लेकर बेटी की शादी कर रहा था। इधर दोनों पक्षों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है और पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। जांजगीर चांपा में अक्षय तृतीया के दिन महिला बाल विकास विभाग ने 2 बाल विवाह रुकवाए हैं। पहला मामला तनौद गांव का है। यहां बारात निकलने से पहले विभाग ने दबिश दी और पाया कि युवक की उम्र मात्र 18 साल 8 महीने है। दूसरा मामला चौराभाठा नवागढ़ का, युवक के विवाह को रुकवाया गया। बताया जा रहा है कि बाल संरक्षण अधिकारी की अगुवाई में टीम ने दस्तावेज सत्यापन में इस युवक की उम्र 19 साल 5 महीने पाई है। इस कार्रवाई से अक्षय तृतीया के दिन दोनों परिवारों में मायूसी छा गई, पर वो एक गंभीर गुनाह करने से बच भी गए।